अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज फिर हम हाज़िर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इनक्यूबेटर ट्रे के मतलब कि इसको हम किस तरह एडजस्ट करते हैं। ये मैं ट्रे लेके आया हूँ इनक्यूबेटर के लिए। ये इसके रोल हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये नट हैं इसके, जिसके साथ हमें इसको जोड़ना है। ये दोस्तों इसके नट हैं। तो सबसे पहले हमने करना कुछ यूं है कि इसको ये मोटर वाली साइड है और ये इसकी दोनों साइड वाली स्लॉट हैं। सबसे पहले हम यूं करेंगे कि ये जो नट लगे हैं इनको सबसे पहले खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम इसके साथ दूसरी साइड भी बंद करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों, इसी तरह हम ये वाली साइड भी इसके साथ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक साइड पे नट लगा दिए। हम ये अब ये साइड इसके नट लगाएंगे। तो इसको लगाने से पहले इसके अंदर रूले डालेंगे।
वही मैं आपको चेक करवाता हूँ किस तरह हमने इसके अंदर रूले वगैरह डालने हैं। तो दोस्तों अब हम इसको इसको बंद करते हैं। ये मोटर है इसकी, इसको हम बंद करते हैं। ज़रा एहतियात से करना कि ये ज़रा प्लास्टिक टूट ना जाए। ये नट भी इतने इसके टाइट करने के फ्री ना हो बस। ठीक हो गया दोस्तों, अब हमने लगानी है ये वाली साइड, ये वाले। तो इसके लिए हमने ये सबसे पहले ये रूले इसके अंदर डाल लेने हैं, फिर इसको बंद करना है। तो रूलों को डालने के लिए ये देखते हैं, जिस तरह इसके अंदर कट का निशान बना इसी तरह इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। ये हल्का सा प्रेस करना तो ये अपनी जगह आ जाएगा। इसी तरह हमने ये सारे रूले इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया दोस्तों, अब हम इसको ये आसानी से इसके अंदर डालते जाएंगे। ये देखते जाएं, ये इनक्यूबेटर की ट्रे है, इसके ऊपर हम
अंडे रखते हैं और ये अंडे आस्ता आस्ता मूव करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनक्यूबेटर की ट्रे तैयार हो गई। अब हम इधर भी नट लगा देंगे और ये इनक्यूबेटर के अंदर जो सोचा है उसके साथ लगा के लगा देंगे, उसके ऊपर अंडे रखेंगे और ये आस्ता आस्ता मूव करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।